identify the substances having glycosidic bond and peptide bond respectively in their structure. तो पहला देखो glycerol trypsin क्या है? Wrong हो जाएगा. Glycerol तो क्या हो गई? Lipids हो गई. Second आपने बोला बेटा cellulose and lecithin. तो बच्चे जो cellulose है वो तो carbohydrate है, उसमें तो आपका क्या present होगा? Glycosidic bond होगा. लेकिन आपने जो सेकंड बोला बेटा अपना लेसिथिन, लेसिथिन क्या है? फॉस्फोलिपिड है. लेसिथिन किसका एग्जांपल है? फॉस्फोलिपिड का है. तो ये भी रॉन्ग हो गया. थर्ड आपने बोला बेटा इन्यूलिन एंड इंसुलिन. इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है. कौन सा बॉन्ड होगा? पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा. बिल्कुल करेक्ट है. थर्ड आपने फोर्थ आपने बोला काइटिन पॉलीसेकेराइड है, होना चाहिए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. बट फिर आपने बोल दिया कोलेस्ट्रॉल क्या है? लिपिड है. कैसा बॉन्ड होगा? एस्टर बॉन्ड होगा. तो ये भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया. तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वन आपका करेक्ट हो जाएगा.